राम राम सा खबर राजस्थान री में आपरो स्वागत है। सबसे पहले नजर राखेला अब तक री मोटी खबर माते। टाटा सागे राज सरकार रो एमओयू प्रदेश रे माय कम होसी मां टाबर री मौत को आंकड़ो विकास ने मिलसी नुआ आयाम। विधानसभा में स्वाइन फ्लू ने लेर फेर हुई हंगामो। कांग्रेस निजी सपाखाना में इलाज करावाड़ा मरीजा खातिर सरकार से मांगी मदद। टीका लगावर की मांग पकड़ी जोर। गृह मंत्रालय रा सवाल में आमी सामी हुआ कांग्रेस और बीजेपी रा विधायक कटारिया मानिया 40% मुकदमा हुए झूठा। विधायक देवे अपराधिया ने सैफ। अलवर में बिन चालिया रोडवेज में बढ़ो तेल लाखा का डीजल घोटाला रा संकेत। कर्मचारी माथ गया सक। बेमौसम में पड़िया सु काश्तकार ने घणो नुकसान। लाखा हेक्टेयर में पौधा बढ़िया सरकार रो कोनी पड़ियो ध्यान। सबसे पहली बात सियासत री। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और टाटा ट्रस्ट चेयरमैन रतन टाटा की मौजूदगी रे माय में आज प्रदेश में मात्र शिशु स्वास्थ्य की हालत ने लेर सुधार खातिर राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के बीच में एक एमओयू हुयो। अंतरा फाउंडेशन के सागे अक्षदा कार्यक्रम ने लेर एमओयू पर दस्तखत हुआ। सीएम एमओयू का स्वागत करता हुआ बोलिया कि कार्यक्रम प्रदेश री जनता की सेहत खातिर चोखा बदलाव ले रासी और इन्हें मजबूत नींव राखबा में मदद करसी। सागे ही बे बोलिया कि प्रदेश में लुगाया और टाबरा की सेहत में सुधार खातिर एक ही घनी जरूरत थी। रतन टाटा सीएम री तारीफ करता हुआ बोलिया कि राजस्थान में ई कार्यक्रम न लियाबा के पाछे मुख्यमंत्री की दूर आली सोच रो काम है जिमें विकास रो विजन है और सागे ही राजस्थान खातिर बे भी कुछ करबो चावे है। बात कराला विधानसभा री। विधानसभा का प्रश्नकाल में आज स्वाइन फ्लू ने लेर फेर सु हंगामो। यो सवाल तो बीजेपी रा विधायक जसवंत यादव को हो पर पूरक सवाल कांग्रेस की तरफ सु भी हुयो जी पाछे कासा रोड़ो अटे हुयो। कांग्रेस विधायक निजी सपाखाना में इलाज करवा बाड़ा स्वाइन फ्लू का मरीजन का इलाज खातिर सरकार सु खर्चा उठावा की मांग कर रिया। बीजेपी विधायक जसवंत यादव का सवाल पर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ मान्यो कि आज सवारे तक 267 मोटा राजरे माए हो चुकी ही जामसू 89 लोगों की मौत निजी सपाखाना में हुई। आमसू 174 लोग शहरी और 94 गाँव रे मायने रेबड़ा जाकी मौत हुई है। अब आर तक वेंटिलेटर मात्र 72 मरीज आ रिया है। यशवंत यादव का सवाल पर सपाखाना में डॉक्टर की साधारण मास्क की जगह 3 लेयर वाला मास्क लगाबा की भी बात थी और वैक्सीन लगाबा की भी बात थी जी माते विधायका ने भी वैक्सीन लगावा की भी मांग उठाई। इस पर चिकित्सा मंत्री बोलिया कि बिना लक्षण दिखिया ही जोरा मादी वैक्सीन लगाबो चोखो कोनी हुए और इसु प्रतिरोधक क्षमता विकसित करबा में मदद कोनी मिल सके। बात स्वाइन फ्लू की कर रिया है। डूंगरपुर जिला का स्वाइन फ्लू मरीजों को माते बीमारी को प्रकोप जारी है। जिला रे मायन अब आर तक करीब 12 जना री मौत ई बीमारी के कारण हो चुकी है। ताजा मौत रो मामलो आसपुर इलाकों को है जटे एक डोकरा चालता रिया। करीब 15 दिन पहली बाकी सरदा बिगड़ गई ही जी पछ घराड़ा बन सागवड़ अस्पताल में भर्ती कराए हो जठू हालत को नहीं सुधरबा पाए। मन अहमदाबाद लेर गया है पर इलाज की टेम पर 2 दिन पाछे ही बाकी मौत होगी। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग डूंगरपुर ई बारे में जानकारी ही कोनी ले सक्यो।
खबर बीकानेर से जुड़ी है। स्वामी केसानंद खेतार अपासाल ने लेर अठे केंद्रीय विश्वविद्यालय ने दर्जा की मांग ने लेर विधानसभा में बात गूंजी। कांग्रेस विधायक भंवर सिंह भाटी शून्यकाल रे मांग ने ओ मामलो उठाए और कियो कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को दर्जो बजट में देबा की घोषणा हुई और राज्य सरकार इस खातिर केंद्र ने एक पत्र भी लिखियो पर कार्रवाई बंद शुरू करनी चाहे जब जा कोनो हो सकी। थान बता दिया कल सवेरे 11 बजे तक विधानसभा स्थगित हो चुकी है। हमारा सहयोगी और समाचारकर्ता गोर्धन ई टाइम पर विधानसभा में माए मौजूद है, बाकी साथ खास मेहमान भी जुड़ियोड़ा है। गोर्धन आपको जानना चाह रहे हैं, आज फिर से स्वाइन फ्लू रो मुद्दों उठ्यो, विपक्ष सरकार ने घेरियो, ई पाछे विपक्ष री काई मनसा नजर आ रही है थाने? तो शुरुआत हुई आचार्यों की सरकार ने बिजली और स्वाइन फ्लू का मामला के मायने घेरो जाएगा, लेकिन पिछला जो तीन चार दिन आदि के मायने कामयाब दोनों हो सकते, क्योंकि जो चिकित्सा मंत्री है बाकी तैयारी के आगे विपक्ष की ज्यादा चल कौन पाई। हालांकि हंगामो स्वाइन फ्लू लेर हुई हो के अलावा विपक्ष की बात में भी घेर बागो प्रयास शुरू होगा, जगह प्राइवेट हॉस्पिटल के माए जगह मरीज है वन सरकार सहायता देवे, लेकिन चिकित्सा मंत्री 2009 आंकड़ा निकाल ले आया कि कांग्रेस की सरकार के मायने एक भी मरीज ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो बिल अगर सहायता न दी जाए रही जी टाइम में न दी तो अब भी सहायता कौन दे। लेकिन चिकित्सा मंत्री पूरा उपाय गिराया कि सरकार जी टाइम में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैली है जिसके अलावा सारा हॉस्पिटल में टाइम इंतजाम कर रखे हैं, इसके अलावा जैसा भी मरीज है बाकी स्क्रीनिंग हुई है, स्क्रीनिंग के अलावा जितना भी मेडिकल हॉस्पिटल है या CHC है सबके मायने आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था कर दी है। तो कुल मिलाकर चिकित्सा मंत्री जी हिसाब विपक्ष हम लोग करियो जो जवाब जी हिसाब दियो जी मैं विपक्ष की आप बात कहते हैं कि देर बार को प्रयास है वो नाकाम भी हो। बिजली के मायने पहले भी विपक्ष का जो विधायक आप कोशिश करी की सरकार में घेरो जा रहे, लेकिन दोनों ही मंत्रियों ने जी हिसाब जवाब दियो सवाल उठाया करे। आज काई मुद्दो हुयो जोधपुर संभाग को और बाबू सिंह जी किया रिया विधानसभा में? बिल्कुल देखो, बाबू सिंह जी को खुद को आज मुद्दों को नहीं हो, लेकिन जोधपुर संभाग का बहुत सारा मुद्दा है। आज यहाँ जैसलमेर के मायने जगह अकाल प्रभावित इलाका के मायने जगह पशु शिविर है बांको मुद्दो उठ्यो, जोधपुर के मायने जोगाराम जी पटेल जी का बीजेपी का विधायक है सीपेज की जगह समस्या है भी को मामलो उठायो। बाबू सिंह जी खुद ही बात करा है, दोनों तीनों मुद्दा है वहां पर वे का कह रहा है। बाबू सिंह जी ए तीन मुद्दा इम्पोर्टेंट है, एक बाड़मेर में पानी की समस्या ही, जैसलमेर के मायने अकालग्रस्त जगह पशु शिविर लगाना बाकी बात ही, और जोधपुर को सीपेज को मामलो, तीनों सिलसिलावार बताऊ। महामई में राज्यपाल ने बहस माते में भी मारी बात रखी और खास तौर आज बात रखी कि जिन प्रकार हमेशा राजस्थान की जनता जागरूक हो परी और जिन्हीं प्रदेश में सरकार वे उन्हीं कड़ी में कड़ी जोड़ती आई और इन बार कड़ी कड़ी जोड़ी है, लेकिन अब लोगों ने उम्मीद है और सपनों पूरे हुए कि कड़ी में कड़ी जोड़ने के बाद में गांव रो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और आप हमेशा कहया करो कि जिन पर देव रमन ने आवे जिन रो जस नर नर नारी गावे वह धरती धोनारी, वास्तव में मैं धोनारी धरती हूँ आओ वो पश्चिम राजस्थान और मरुस्थल इलाकों जठे मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि रहे है, उन इलाके रे मोने पशुपालन एक विशेष महत्व लोगों रो रहे हो और आज का हालात है 5 साल एक साल जमानो देखने वास्ते मिले और 4 बार उठे अकाल पड़े, ऐडी स्थितियों में जितना भी मोरा गांव रा ओरण है आगोर है गोचर है उन्हें चारागार रूप में विकसित कियो जा सके वो भी, और खासतौर पहले भी मैं मांग उठाई कि मरु विकास बोर्ड बना परो और राजस्थानी अर्थव्यवस्था में जिन प्रकार मरुस्थल इलाके रो योगदान है जठे पंखा लगा परान बिजली पैदा हो रही है, सोलर लगा परान बिजली पैदा हो रही है, जठे लिग्नाइट है खनिज रो अथा संपदा है, जठे गैस निकल रही है डीजल निकल रही है, क्यों नहीं जठे सरस्वती की खोज भी हो रही है, सरस्वती नदी भी चल रही है, तो ऐडे इलाके में मैंने खासतौर मरु विकास बोर्ड ने प्रभावी तरीके बढ़ाना चाहिए, जिन प्रकार मेवात है मेव है देवनारायण बोर्ड है उन्हीं प्रकारों पश्चिम राजस्थान रे वास्ते खास तौर
जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर तीन जिलों में इन बोर्ड को काम किया जा सके और जिन प्रकार अकाली चपेट में वो इलाकों बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर आयो है उनमें खास तौर अब हमारा पशुओं ने बचावनी जरूरत है और पशु ने बचावने वास्ते चारा डिपो खोलना है, शिविर खोलना है और उठे गौशाला ने अनुदान देना है और चारागार मोने जकी सेवन गार्डन गायर मुद्दों गौशाला रो मुद्दों भी आज विधानसभा रे माय गुंजे। और अगर देखा पश्चिम में राजस्थान री बात करें तो ढांडन लेर खासा चौकी स्थिति कोनी उठे तो ई चक्कर बाबू सिंह जी जानना चाह रही है कि काई गायन लेर काई कर बड़ी ये सरकार और एज का सवाल उठे अबा मत काई बात हुई। पहले भी खूब मांग उठाई है और पिता भी मेरा साधु संत है वे भी इन चिंता करे और होश रखे कि गाय मेरी माता है, गाय की रक्षा करना हमारे सब धर्म है। यहाँ से इन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित होकर गाय की पूरी तरीके से रक्षा होनी चाहिए। गाय जैसलमेर बाड़मेर और खास तौर मरुत इलाके वास्ते और गाय गो माता है उनकी रक्षा आज के समय में की जा सके और अपने सब मनो कि किन प्रकार दूसरी जगह समस्या है इन धर्मों नकली दूध बन रही है ऐसे समय में जैसलमेर बाड़मेर पशु धने बचाए जा सके। आप देख लिया हो कि पर्यटन क्षेत्र में भी वो इलाकों बढ़ रही है तो उसे भी जो रेगिस्तान और जाद अब उसे वो ऊंट भी प्राय खत्म हो रही है बहुत कम आपने देखने वास्ते मिलेगा ऊंट ने और गाय ने वास्तव में पूरे पशु ने मवेशी ने भी बचाने की जरूरत है जो उन इलाके के लोगों को हमेशा मुख्य व्यवसाय रहे हुए उन्हें बताने वास्ते खास तौर हूँ अब सरकार ने विशेष ध्यान देना पड़ी और अभी तो मुद्दा आज शुरुआत हुई है लेकिन अब बजट 2 तारीख आने के बाद में विशेष तौर पर बजट में उन इलाके के वास्ते गाय ने और ऊंट ने और उसे भी मवेशी ने बताने वास्ते बजट में प्रावधान किए गए थे नहीं तो मैं उन इलाके का सारा विधायक गोर्धन सिपेज वालों भी एक मामलो है सिपेज में तो काई कारण है बाबू सिंह जी रो और खास तौर पर सिपेज का मामलो है जोधपुर पूरा शहर है वो बिल्कुल पानी ऊपर आ मामलो है इस वास्ते काई करना चाहिए कि छे बटे गारे बाड़ा हो जोधपुर का काफी विषय है। अब वे लोग थोड़ा सा महसूस कर दिया हूँ कि जोधपुर यहाँ पे हो सके थोड़े फतुल व्यवहार हुए जैसे स्मार्ट सिटी बनाने की बात आई तो जोधपुर राजस्थान तो दूसरों बड़ो शहर लेकिन केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजा है स्मार्ट सिटी के वास्ते उनमें भी जोधपुर ने शामिल नहीं करी है पांच दूसरा जिला जैसा भेजा है तो उनमें भी हमारे जोधपुर की जनता आक्रोशित है खास तौर जब स्मार्ट सिटी बने उनमें लेकिन सिपेज की समस्या है आज तक उन सिपेज की समस्या को इतना ही समाधान नहीं हो सके पिछली बार ही नहीं मुद्दों उठाए आज उन्हीं विधायक जी भी उठाए मैं जोधपुर शहर रहा जोधपुर जिले रहा सब विधायक इन मामले में चिंतित हूँ मैं चाह रहा कि जोधपुर जो तो मास्टर प्लान है उन अनुरूप जोधपुरों राजस्थान के दूसरे बड़े शहर रूप में विकसित हो और फिर विकास हो जोधपुर विकसित हो वो तो उन्हें कृषि विश्वविद्यालय के बाद से भी ऐसे स्थिति वाले और फिर विकास हो और जोधपुर विकसित हो वो तो उनमें कृषि विश्वविद्यालय के वास्ते भी ऐसे जमीन अलॉट आवंटन नहीं हुई है और हाथे हाथे उन वास्ते बजट भी नहीं मिली है कुछ हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो कि जोधपुर में आज तक वे काम नहीं हो सके है उन्हीं पीड़ा मौसम ने है और मैं सब विधायक मिल पड़ा और आप बात विधानसभा में उठा और सब एकजुट और मुख्यमंत्री जी बात कर और जोधपुर हक और अधिकार और हकूकरी लड़ाई भी लड़ा ठीक सर गोर्धन जानकारी खातिर बाबू सिंह जी ने बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा रहे हमारे जुड़वा खातिर तो मोटी खबर विधानसभा में यही अगर बात करा अगली खबर में तो काश्तकारी बात है खेतर मायने कनेक्शन देबा का मामला में प्रश्नकाल में विधानसभा में का हंगामो यो कांग्रेस सरकार पर एक नुआ कनेक्शन जारी नहीं करबा का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक राजेंद्र यादव कोटपुतली में कृषि कनेक्शन पर ऊर्जा राज्य मंत्री सवाल करियो हो यादव पूछा कि पुष्पेंद्र सिंह बतावे कि क्या पाछला बजट में 40,000 नुआ कनेक्शन देबा की घोषणा वे ही जामसू 34,747 कृषि का कनेक्शन जारी कराया जा चुका है। मंत्री बताया कि नई कृषि कनेक्शन नीति माते कैबिनेट सब कमेटी बनाई है सब कमेटी की रिपोर्ट आबा के पास चाहिए नई नीति बनाई जा सी और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी बिजली पर अलग से सदन में बहस करबा की मांग भी रखी। विधानसभा की असगली खबर के बीच में एक मोटी खबर है टू सीकर मिल रही है जटे ट्रक और बाइक री भिड़ंत वेगी है और इमें बाइक में तो बैठे जना ने ट्रक आलो कुचल दियो और 5 जना की मौत री खबर अट मिल रही है। जिला स्टेडियम के समय वो हादसों हो जिमें बाइक में मोटियार सवार और 5 जना इमें समाई गा मोटी खबर अपने मिल रही है सीकर सू जटे
बाइक ने रोंद एक ट्रक भाग गयो, ट्रक चला वालों भाग गो और ये हादसा ने माए पांच जना के मरवा की खबर अब आर सिकर हुआ है। सिकर हुआ कासा मोटी खबर है, पांच जना का समाबा की खबर है, सड़क हादसा की खबर आ मिल रही है। जिला स्टेडियम रसा में अगर वो हादसा हुआ है कह सका कि मोटी खबर हो सके क्योंकि किया एक ट्रक बट बड़ी सके और किया काई भी में अनुमति ही कोनी ही आ जान वो विकास जरूरी हुआ है। पर अब आ रहे पांच मोटियार चलता रही हादसा रामायण और हादसों यो सीकर का जिला स्टेडियम रिसा में जट एक ट्रक जाओ हो और बाइक में तो पांच जना सवार है, अब पांचों जने ने ट्रक आड़ो कुचल दियो और खबर जी की है ट्रक आड़ो भाज गयो मौका मातो और पांचों जना ने मृत घोषित अस्पताल में सपाखाना में करी हुई है। अब शाम री सब मोटी खबर आ सीकर में सीकर से आपा ने मिल रही है, सीकर में मोटा समाचार मिल रही है। आपने सागे खबर मत चर्चा करते रमेश सीकर जुड़े हैं। रमेश आप जानना चाह रहे हो हादसा को कारण कहीं नजर आयो? थोड़ी सी बताना चाहूंगा हादसा पर मोटा रूप से है जो बाइक सवार की गलती मानने आ रही है क्योंकि एक ही बाइक पर पांच जना यात्रा कर जाए तो कटे न कटे बाइक वाला ने भी सोच लो सीखे के बाइक दो लोगों के लिए बनी रही है पर पांच पांच लोग अगर सवारी करेगा चलावा जाए तो कटे न कटे बाइक वाला भी गलती मानी जा रही है। ये मामला में कई ट्रक वालों पकड़ी जो कई कार्रवाई की बात हुई है पुलिस रो कई क्यों है ट्रक को जो चालक हो वो मौका से फरार हो गो और पुलिस मौका पर पहुंची है। 500 जना का जो शव है जो अस्पताल में माए रखवाया गया है सब बड़ी जानकारी की अभी आ रही है बस जानकारी है कि कोई निजी कोचिंग संस्थान का ये पांचों टॉपर है जिसका के सदन में आया जी का। ठीक सर रमेश जी जानकारी खातिर तो निजी कोचिंग में पढ़ वाला है टाबर पढ़ वाला है जिसका एक ही बाइक में तो जा रही है और बाकी गलती से वो हादसा हुई और पांचों जना ने अब ई रमायने जान गवानी पड़ी। राजस्थानी भाषा का समाचार में अबार थ्यावस को टेम है आप बने रहिजो राजस्थानी में समाचार जारी रखे सा। राजस्थानी भाषा में फिर समाचार विधानसभा सु है जट चौमुख कन्ने कालाडेरा में कोको कोला प्लांट ने एक बार फिर सु विवाद रमाए हुए और अट मामलो छिड़ियो। कालाडेरा प्लांट का मामला में सोमवार ने विधानसभा में खासा गूंजी हुई और बीजेपी का विधायक रामलाल शर्मा इन शून्यकाल में उठाता हुआ कियो कि कालाडेरा कोको कोला प्लांट सु इलाका में नियम विरुद्ध पानी काढ़ियो जावे जिसु प्लांट छूटवाड़ो जहरीलो रसायन सु भी इलाका की जमीन अब दूषित होबा लगी है, इलाका का लोगा की सेहत मत है इको खास असर पड़तो नजर आवे है। दूसरी तरह भरतपुर जिला रे माए गाय की बढ़ती तस्करी को मामलो भी विधानसभा रे माए उठ्यो। बीजेपी री विधायक अनीता गुजर शून्यकाल में मामलो उठाते हुए बोलिया कि भरतपुर में गो तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है, समुदाय विशेष रा लोग गाय की तस्करी कर यूपी लेर जावे। अनीता गुजर कियो कि गो रक्षा चौकिया बेगा सु बेगा बनाई जावे, तस्करी का काम लिया जा रहा है, गाड़िया ने स्थायी रूप से जब्त करो जावे और गाँव में पटवारिया ने गाय रिकॉर्ड राखबा का निर्देश सरकार जारी करे। जोधपुर शहर रे मायने पानी का स्तर बढ़ता का कारण सीपेज री समस्या माते विधानसभा में मामलो उठाया गयो। बीजेपी रा विधायक जोगाराम पटेल शून्यकाल में मामलो उठाता हुआ जोधपुर शहर का कैलाना झील की वजह से शहर का भूजल स्तर का बढ़वा की बात बोलिया। हालत आ रही कि पानी सड़का माते आई जावे, सीपेज रोकबा खातिर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है पर कमेटी की बैठक का टेम माते को नहीं हुआ जिसु जोधपुर शहर की सीपेज समस्या माते योजना बनार काम करबा की जरूरत माते जोर दियो गयो और कियो गयो एड़ा हालात रमायने जो स्थिति है बेकाबू वे ही सके। करौली जिला का काश्तकार ने फार्म पोर्ट का अनुदान साल भर से कोनी मिलिया और ओ मामलो आज विधानसभा रमाए उठियो। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेयर शून्यकाल में वो मामलो उठायो। प्रदेश जी का जवाब में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी बोलिया कि करौली में 264 आवेदन आया है जहाँ से 223 की शिकायत मिली ही
शिकायत की वजह से भुगतान रुक गयो हो पर आवेदक सही है मन अनुदान रो पीछो बेगा सु बेगा दियो जा से। असगली खबर रे बीच में डोडा पोस्ट न लेर भी सदन में मामलो उठ्यो और नशा का आदि लोगा खातिर फेर सु लाइसेंस रिव्यू करवारी मांग उठी। बसपा रा विधायक मनोज न्यांगली शून्यकाल में मामलो उठाता हुआ बोलिया कि डोडा पोस्ट रा ठेका रिन्यू कोनी कर लिया गया है जिसको आदि लोगों ने खासा अब बीमारियां उबा लगी है। पोस्ट का आदि लोग लाइसेंस रिन्यू कोनी होबा के कारण भारी परेशानी को सामनो करे और ई कारण से आगे जार कानून व्यवस्था भी बिगड़ सके है। असगली खबर के बीच गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया स्वीकार करियो कि प्रदेश में कुल दर्ज मुकदमा में से 39.70% मुकदमा में FIR लागे है पर दूजा शब्द में वे बोलिया कि पुलिस में दर्ज करीब 40% मुकदमा झूठा भी हुआ है। विधानसभा का प्रश्नकाल के टाइम पर कांग्रेस रा विधायक घनश्याम मेयर का सवाल पर गृह मंत्री बताया कि गलत मुकदमा दर्ज करावाड़ा मात्र धारा 182 के तहत कार्रवाई रो प्रावधान है पर धारा के तहत कार्रवाई रो प्रतिशत का सा कम है। घनश्याम मेयर ने जब टोडा भीम में आम लोगों के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज करावा को सवाल करया तो बीजेपी रा विधायक मान सिंह गुर्जर कियो कि कांग्रेस नेता अपराधिया ने सह देवे और ई को आरोप लगाया जी मामला में कांग्रेस विधायक कड़ो ऐतराज जतायो जिसके कारण सदन रामायण खासा देर हंगामा की स्थिति बन गई। राजसमंद माए काकरोली रा वल्लभ संप्रदाय री तृतीय पीठ की द्वारकाधीश मंदिर माए फाग उत्सव ने लेर आदिना ब्रिज जिसो माहौल बनियोडो है। होली माता मिंदर में विशेष राल रा दर्शन राख्या गया। ठाकुर जी रे सामी दो बड़ी वसाल राखी गई। मंदिर रा महाराज बटे प्रसाद भी लुटाविया। बीन सिंगाड़ा रो आटो अटे बोलियो जावे मसाला माता फेंके जावे पाछे आग रा बड़ा गुब्बारा निकले है जिन्हें देखवा खातिर भक्तारी भीड़ खासा देर अटे चुटिया करे। यहाँ की कुछ ये विशेषता है और यहाँ के अनुकरण में और भी कई लोगों के स्थानों में होता है परंतु मुख्य इस कांकरोली से ही संबंधित रखने वाली वस्तु है। कांकरोली से मेरा मतलब है श्री द्वारकाधीश प्रभु के घर के संबंध से। भगवान कृष्ण जब गौचारण में गोप बालकों के साथ में वन में गए हुए थे और वन में आग लग गई थी दावानल जैसे कहा जाता है और वो दावानल जब लगा था तो चारों तरफ से वृक्षों में आग जो फैली भगवान ने बच्चों से कहा कि तुम लोग आंखें बंद कर लो तो उस दावानल के भय से उन्होंने आंखें तो बंद कर ली और भगवान ने उस दावानल का पान कर लिया। 40 दिन तक ठाकुर जी गुलाल में खेलते हैं 40 दिन तक और बड़े आनंद के साथ रसिया सभी बाल गोपाल मिलके सभी गाते हैं बहुत ही आनंद आता है। हम जैसे ब्रज में पहुंच जाते हैं इस रसिया के साथ बड़े ही आनंद के साथ हम रसिया गाते हैं 40 दिन तक वो आनंद के साथ होल गार्डक से हम बढ़िया रसिया और गाते हैं सभी मिलके बाल गोपाल। और ये अभी कल के दिन चोरेसगम का बगीचा है नादर से भी बाल गोपाल की टोली आती है। राजस्थानी भाषा का समाचार हम आभार तो ही आप देखता रहे हो फर्स्ट इंडिया राम नाम से।